हे गाइस व्हाट्सअप, आप सबसे बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और अभी हम हैं चाईवासा में। यहाँ का कुछ देख सकते हैं, कुछ ऐसा व्यू है। कल आए हैं चाईवासा और कुछ काम से आए थे, हमेशा काम से आते हैं, और अभी जा रहे हैं यहाँ के जाने माने प्लेस में, और वो है रुमटा गार्डन। और वहाँ पर ही है रुमटा गार्डन, यहाँ से आप लोगों को दिख नहीं होगा क्योंकि यहाँ पेड़ पौधा है, इसलिए तो वहीं पर ही अभी जा रहे हैं रुमटा गार्डन घूमने एक दी के साथ। सब कहते हैं चाईवासा में रुमटा गार्डन नहीं आया तो चाईवासा आगे क्या किया। बोलते हैं कि रुमटा गार्डन में घुसने के लिए पास लगता है, तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे रुमटा का ऑफिस, फिर वहाँ से पास लेंगे और वहाँ पूछता है कुछ कितना लोग जा रहे हैं और कब जाना है, डेट पूछते हैं। तो अभी जाएंगे, अभी का डेट देंगे। और तो हम प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, बट एक दिक्कत हो रहा है। कल हम जमशेदपुर से आ रहे थे तो बस एक ही वाला शर्ट पैंट लेकर आया था और हाफ पैंट वगैरह लेकर आया था, बट यहाँ वहाँ जाना है उसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ नहीं लेकर आए, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि एक ही वाला पहनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, इसी को धो देंगे, इसी को फिर कहीं जाने से पहनेंगे। अगर हमको मालूम रहता कि यहाँ रुकना है बोल के तो एक्स्ट्रा देगा तो कुछ, बट पापा कुछ ऐसे बताए नहीं कि यहाँ रुकना है बोल के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, चलिए रुमटा गार्डन और मिलते हैं आपसे आपसे रुमटा ऑफिस के पास। देख सकते ये चर्च है, सर्वसंत उपासनालय चर्च, और ये रोड है। देख सकते हैं ये रुमटा का ऑफिस है, ये बहुत बड़ा है और यहाँ का माहौल देख सकते हैं। दी गई है रुमटा का पास लेकर आने के लिए, वो पास लेकर आ रही है। चलिए हम रुमटा गार्डन के गेट में हैं और यहाँ गेट खोल रहे हैं। तो चलिए घूमते हैं रुमटा गार्डन और आपको भी घुमाते हैं साथ में, और रुमटा गार्डन के बारे में आप सबके साथ एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं उधर उस साइड भीड़ है, स्टूडेंट लोग हैं कॉलेज के, और यहाँ कुछ फ़ोटोशूट हो रहा है। हम लोग कटवाए थे एक तीन जन के लिए पास और हम लोग को एंट्री मिल गया, और फर्स्ट टाइम हम रुमटा गार्डन आए हैं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए घूमते हैं रुमटा गार्डन और आप सबको भी साथ में घुमाते हैं। तो अंदर तो घुस गए हैं, बट क्या हो रहा है कि जहाँ उधर मेन चीज़ है, जहाँ कुछ प्लेन वगैरह है और कुछ स्पेशल चीज़ है, वहाँ अभी घुसने दे रहा नहीं, और बोलता है कि 3 बजे के बाद घुसने मिलेगा उधर, तो वहाँ कुछ पवित्र चीज़ें बोलते हैं, इसलिए 3 बजे के बाद घुसने मिलेगा। और यहाँ घुस के मतलब हम तो वहीं देख जाने वाले थे, वहाँ कुछ मतलब प्लेन व्लेन है, कुछ टेम्पल वगैरह है, तो वहीं हम जाने वाले थे, बट वहाँ जाने नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जाएंगे। ये रहा खेत वगैरह, ये सब देख पूरा गांव का फील आ रहा है, आस्ते आई मीन गांव में ही है तो। और यहाँ देख सकते हैं सामने सामने आम खड़ा है, बट इसे तोड़ना मना है क्योंकि ये अब प्राइवेट चीज़ है, प्राइवेट प्लेस का हर चीज़ प्राइवेट होते हैं, इसलिए ये सब तोड़ना मना है। ये देख सकते हैं ढेर इतना सारा आम, बट इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट है।
जिस चीज़ का इंतज़ार था उस जगह में फाइनली हम घुसने वाले कुछ मिनटों में। और जैसे कि गार्ड अंकल ने हमें बोले थे कि 3 बजे के बाद उसके अंदर घुसने मिलेगा, तो 3 बज चुका है और 3:01 हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, अंदर घुसेंगे। हम जो दी के साथ आए ना, वो कहीं ज़्यादा घूमती नहीं है, वो हमको इस रूंटा गार्डन के बारे ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही है, इसीलिए हम भी आपको इतना एक्सप्लोर करना नहीं पा रहे इस रूंटा गार्डन के बारे में। अगर जो जो चाइवासा से है वो लोग समझ जाएंगे, बट फिर भी जो जो बाहर से देख रहे हैं वो लोग समझने में दिक्कत होगा, इसलिए कुछ कुछ हम आप उनको फिर भी कोशिश करते हैं जान के बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ही अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। अगर इस टाइम पे हम जमशेदपुर में रहते तो घर से हम बिल्कुल बाहर निकलना नहीं पाते। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ वैसे भी ज़्यादा गर्मी नहीं है, जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और वहाँ मतलब दिन का टाइम में घूमना इम्पॉसिबल है पूरी तरह से, और यहाँ जो हम दिन का टाइम में घूम रहे हैं तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ का मौसम सही है और रात में बिल्कुल पूरा ठंडा लगता है। जमशेदपुर में इतना गर्मी लगता है क्या ही बोल सकते हैं, रात में भी गर्मी लगता है, समझ सकते हैं। बस इतना चाहो ना एक गोली, एक गोली। रात दिन सोचते रहो ना, कैसे बताबू रे कैसे जताबू, कैसे बताबू रे कैसे जताबू, तोरे असराद खत रहो ना। फाइनली अंदर घुस चुके हैं, तो चलिए चलते हैं वो प्लेन के यहाँ पर ही, और यहाँ जाना मना है और वहाँ जा सकते हैं, और उसमें जाना मना है, उसमें जाना मना है, और तो चलिए चलते हैं। और सबसे पहले चलते हैं प्लेन के यहाँ, फिर वहाँ करते हैं थोड़ा फोटोशूट, उसके बाद चलते हैं घूमते हैं, और वहाँ शांति जो है झूला झूल रही है बच्चों लोगों का।
रूंटा गार्डन घूम के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर बहुत सारा फोटोशूट किए और सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह लिए। और अब हम टाइम आ गया रिटर्न घर जाने का, और वो रहा मेन गेट। और फिर से एक बार देख लीजिए सारा व्यू। बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा रूंटा गार्डन घूम के। और निकलते हैं, चलिए। वहाँ पर ये अपना बाइक निकालते हैं, चलते हैं।